अरे आ गई आरुषि, आओ। यही हमारे घर की बहू। नमस्ते। माफ कीजिए, आने में देर हो गई। गुरुजी। अरे आरुषि, सर पे पल्लू लो ना। माफ करना गुरुजी, आजकल की लड़कियों को कुछ आता ही नहीं, सिखाते सिखाते उम्र गुजर जाएगी। खुश रहो, सौभाग्यवती भव, तुम दोनों की जोड़ी सदैव बनी रहे। थैंक यू गुरुजी। अरे गुरुजी से बात कर रही हो, धन्यवाद कहो। कोई बात नहीं, ठीक है बेटी, जाओ। बुआ माँ, मैं जाऊं। कहाँ? अरे गुरुजी के लिए खाना भी तो बनाना है, शाम तक रुकेंगे गुरुजी। अगर बना नहीं सकती तो हमारा हाथ तो बटा दो। माँ बाहर गई हुई है, शाम तक लौटेंगी, तो माँ से शाम को मिलके ही जाएंगे। शाम तक? क्यों उठाएगा वो तेरा फोन? कस्तूरी, उसे छोड़ क्यों नहीं देती? रोज रोज के नाटक से तुझे छुटकारा मिल जाएगा और तेरे बच्चे भी सुखी हो जाएंगे। और दूसरा, वो तेरा नालायक गिरीश, उसका भी कुछ पता नहीं, कहाँ निकल गया अपने दोस्तों के साथ। मैं क्या करूं? कोई मुझे बताए कहाँ जाऊं, किससे कहूं? तू ना आरुषि को ही फोन कर। नहीं नहीं, आरुषि को कैसे कह सकती हूँ, यहाँ तो हर रोज एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। उसकी अभी अभी शादी हुई है, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। आप रो क्यों रही हो? रोजी, कैसे समझाओ तुझे, मैं अभी नहीं आ सकती। अभी लंच बनाना है, गुरुजी भोग लगाएंगे, फिर वो लंच करेंगे और फिर वो हमें प्रसाद मिलेगा। शाम को दादी माँ आएंगी, तब मैं फ्री हो जाऊंगी। क्या बकवास कर रही है यार आरू, आज के टाइम पे कोई करता है ये सब? बुरी फंस गई है तू, एक सास होती ना तो हैंडल भी हो जाती। यहाँ तो सात सासे हैं। मैं बताऊ, सारी मुसीबत की जड़े ना यही सब है। रोजी ऐसे मत बोल यार, मेरी सासे बहुत अच्छी है और मैं इस घर की बहू हूँ, ये सब करना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। पर यहाँ बॉस को क्या कहूँ मैं आरू? वही तो कह रही हूँ तुझसे, प्लीज रिक्वेस्ट कर देना उन्हें, संभाल लेना। आरुषि, तू वैसे इतने दिनों बाद ऑफिस आई थी और इसे बिना बताए चली भी गई, क्या बहाना चलेगा बॉस के सामने? बॉस तो सॉलिड गुस्सा होने वाले हैं आरुषि, मुझे भी डांट पड़ जाएगी। रोजी प्लीज यार, आज हैंडल कर लेना, मैं कल बॉस को समझा दूंगी। और प्रेजेंटेशन तो तू भी बना सकती है। अच्छा चल बाय, मैं बात नहीं कर सकती, बाय बाय बाय। बेटा सच में आज का जमाना में तेरा जैसा बहू मिलना बहुत मुश्किल है। आज का जमाना में लोग कितने मतलबी हो गए, और तू कितना अच्छा है बेटा। बस तू ऐसे हिम्मत मत हारना, देख लेना बहुत जल्दी एक एक करके तेरा दूसरा सास भी तुझे जानने लगेगा, समझने लगेगा, तुझे पसंद करने लगेगा। ताई माँ, पहले तो आप रोना बंद कर दीजिए, और मैं जानती हूँ ऐसा ही होगा। अभी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए ना मेरी, देखिए वो ठीक बनाए या नहीं। साहब जी देखिए, बड़ी नाजों से पली है मेरी बेटी,
छोटी है, बहुत ही प्यारी है। देखिए, इससे कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। बेटा देख, ये साहब लोग हैं, इनको शिकायत का मौका मत देना, ठीक है? और अगर ये कभी डांट देना तो बेटा कभी नाराज मत होना, ठीक है? साहब, वो मैंने आपसे 50% की बात की थी ना, अब मैं क्या करूं, मेरे वो पिताजी की तबीयत बहुत खराब करती है ना, इसलिए नहीं तो। हाँ याद है भाई, ये लो 5,000 रुपए 50% एडवांस। क्या कर रहे हैं आप? हमारी मिली कहीं काम नहीं करेगी। नहीं नहीं, कैसे नहीं जाएंगे, आप होते कौन है? शर्म आती है मुझे कि आप मेरे ससुर हैं। एक बाप होकर आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसका जीजा होकर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कैसे नहीं होने दूंगा, मेरी बेटी है, मैंने पाल पोस के बड़ा किया उसको, मेरा हक है उस पे, मैं चाहे जो भी करूं। आप एक काम कीजिए, मेम साहब इसको अंदर लेके जाइए, मैं इनको देखता हूं। आप हटे पीछे, खबरदार जो इसे हाथ भी लगाए तो, वरना वरना क्या क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप? पुलिस को बुलाऊंगा, अरेस्ट करवाऊंगा आपको, और साथ में आप दोनों को भी अरेस्ट करवाऊंगा। इतनी छोटी बच्ची से काम करवा रहे, शर्म नहीं आती आपको? और ये मत समझ लीजिएगा, ये नहीं तो किसी और से काम करवाएंगे, आप किसी और को रख लेंगे, मैं नजर रखूंगा आप पर। अगर कोई भी बच्ची इस घर में आई ना काम करने के लिए, तो आप दोनों को अरेस्ट करवाऊंगा। आप जानते हैं ना, कानूनन जुर्म है ये। अगर मेड चाहते हैं तो किसी लीगल एजेंसी को कॉन्टेक्ट कीजिए ना, बहुत सारी एजेंसीज है यहाँ पर। आप लोग तो एडुकेटेड लगते हैं, सभ्य लगते हैं, तो उसी तरह बिहेव कीजिए ना। वी प्रॉमिस, हम लोग एजेंसी में कॉन्टेक्ट करेंगे। अरे हम तो इस आदमी के चक्कर में आ गए, पता नहीं कैसा बाप है, तुम्हारे जैसा बाप तो पूरी दिल्ली में नहीं होगा। आपसे तो मैं बाद में निपटूंगा। सर मैं वो नहीं है। सर क्या हो गया, ये वहां क्यों जा रही है? आरुषि ऐसे रो मत बेटा, घर गृहस्थी चलाने में ये सब तो होती है, तेरे लिए ये सब नया है। पर बेटा एक बात बता, कौन सी ससुराल एकदम मायके का जैसी होती है? मन छोटा मत कर बेटा, आज चाहे जैसी भी हो, पर आने वाली कल उम्मीद की एक नई किरण होगी। ये सोच और आंसू पोंछ ले। सॉरी बेटा तुझे काम पर डिस्टर्ब किया, लेकिन वो गुरुजी की फोन आ गई तो हम लोगों को लगा कि हमारा प्यारा बहू को भी गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए। नहीं ताई माँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी गुरुजी का आशीर्वाद लेके बहुत अच्छा लगा। मैं पहले कभी ऐसे ऑफिस से बिना बताए आई नहीं थी ना, इसीलिए खुद पे गुस्सा आ रहा है और बुरा भी लग रहा है। आरुषि, माँ आ गई। झूठ बोलना तो वैसे भी गलत बात है, लेकिन तुम ऑफिस छोड़कर घर आई क्यों? वो माँ गुरुजी आए हुए हैं तो। हाँ तो गुरुजी तो शाम तक रखने वाले थे,
उनके ऑफिस से आ भी जाती उनके जाने तक। वैसे तुमको घर पर बुलाया किसने? छोड़िए ना दादी माँ। अच्छा हुआ ना मैं आ गई, मुझे गुरुजी का आशीर्वाद भी मिल गया। गीता तू बता मुझे, आरुषि को किसने बुलाया? वो माँ, वो प्रियंका और बबीता ने। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी तुम दोनों को जो आरुषि को फौरन ऑफिस से बुला लिया? तुम्हें नहीं पता था गुरुजी कब तक रहने वाले हैं? वो गुरुजी घर की बहू के बारे में पूछते तो, और अगर नाराज हो जाते तो मैंने। वैसे गुरुजी को बुलाया किस लिए था? अरे माँ कल हवन करना है ना, भाभी ने मन्नत रखी थी कि विहान ठीक हो जाएगा तो वो हवन करेगी। इसका मतलब गुरुजी कल तक यहाँ रहने वाले हैं। आरुषि ऑफिस गई थी, कोई घर छोड़कर नहीं गई थी, शाम तक वापस आ जाती, मिल लेती गुरुजी से। एक तो गलती कर रही हो, ऊपर से बहस भी। दादी माँ, बुआ माँ ने मुझे सिर्फ इन्फॉर्म किया था, घर पर आने का फैसला मुझ पर छोड़ दिया था। वो तो मैंने सोचा कि गुरुजी के आने से पहले या उनके आते आते मैं पहुंच जाती तो अच्छा होगा ना, इसीलिए मैं ही आ गई। क्या बात, पहले माँ से चुगली की और अब देवी बन रही है। ठीक है आरुषि, अपने कमरे में जाओ तुम। देखा तुम दोनों ने उसके साथ गलत किया, फिर भी वो तुम्हारी तरफदारी ही करके गई। हमने कुछ गलत नहीं किया। विहान की सेहत के लिए हवन हो रहा है, उसमें उसकी पत्नी का होना तो जरूरी है ना। थोड़ा जल्दी बुला लिया तो उसमें क्या गलती हो गई? क्या बात है माँ, उस दिन आरुषि ने कमरे में ऐसा क्या कह दिया जो आजकल आप उसकी तरफदारी करती रहती हो? ये बदतमीजी नहीं करना मेरे साथ। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं अपनी बहू का साथ दे रही हूं, मैं सिर्फ सच का साथ दे रही हूं। जमाने के साथ बदलना सीखो प्रियंका, और कल हवन में आरुषि के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर वो अपने पति के साथ बैठना चाहेगी तो बैठेगी, वरना नहीं। जबरदस्ती करने से कोई लाभ नहीं होता, किसी को कोई फल नहीं मिलता। मैं गुरुजी से मिलकर आती हूँ। आज इस आरुषि की वजह से हमें डांट पड़ी है। ऐसी क्या पट्टी बांध दी है आरुषि ने माँ की आंखों पर जो आरुषि की कमियां माँ को दिखती नहीं है? इस बात का पता तो तब चलेगा जब दोबारा आरुषि की गलती पर माँ पर्दा डालेंगे। अगर ऐसा है तो दी हम ही कुछ करते, हम कुछ ऐसा करते हैं कि माँ के सामने ना उसकी सारी गलतियां निकल जाएगी, फिर देखना माँ कैसी डांटती है उसे। हाँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मेली को वहीं ना छोड़ा है, पता नहीं वहाँ क्या कैसे। ओ तो क्यों बुरा सोच रही है, फिकर मत कर, देख वो विहान गया है ना वहाँ, तो वो मेली को अपने साथ लेकर आएगा। पर बाबूजी, माँ, मेली, माँ आपको पता, पापा ने तो मुझे पैसे लेके उन लोगों के हवाले ही कर दिया था, लेकिन विहान जी टाइम पे पहुंच गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। विहान जी ने ना पापा को बहुत डांटा और वो अंकल और आंटी को भी, और वो मुझे अपने साथ लेके आए। धन्यवाद पिता। माँ, आज तुम ना होते तो हम तो तुमसे माफी मांगने के काबिल भी नहीं, सिवाय तकलीफ और दुख के। तुम्हें मिलाएगी इस घर से
ये कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? फिर से एक पल में पराया कर दिया। मेरी आरुषि भी मुझे इसी घर से मिली है। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां सब इसी घर की वजह से है। और अब आप एक बात समझ लीजिए, आपको जो कुछ भी मुझे देना था आपने दे दिया, अब मेरी बारी है। बेटा कहती है ना आप मुझे? जीजू, काश मेरे पापा भी आप जैसे होते। आज से तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरी हुई, और आज के बाद पापा जी कुछ भी करें या कहें तो आप फौरन मुझे इतला करेंगे। और तुम अपने मन से सारे डर निकाल दोगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा और कहीं नहीं भेजेगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बस पापा जी तुम्हें आज के बाद कुछ भी कहें तो सबसे पहले तुम मुझे इन्फॉर्म करो। मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास? हमेशा मुस्कुराते रहना। हे भगवान, प्लीज कभी भी किसी को मेरे ससुर जैसे पापा मत देना। अच्छा माँ, दादाजी अब मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई में ध्यान देना, चलता हूं। देख ले जाओ लीजिए। आज के बाद मिली को कुछ कहा या उसे कहीं नौकरी के लिए भेजा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना आपने? अबे तू है कौन? है? मेरी बेटी है वो, मैं कुछ भी करूं उसको ले जाऊं, कुछ भी करूं। मेरे घर को देखने चला है? अरे अपने घर को देखना तू। छोड़ो, आरुषि। विहान, आरुषि, हे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? माँ का फोन आया था, उन्होंने मुझे कुछ बता दिया। विहान, अगर आज तुम नहीं होते तो पापा मेरी को किसी के घर की नौकरी नहीं बनाते। थैंक यू विहान, थैंक यू सो मच। रिलैक्स, इट्स ओके, रिलैक्स। इसमें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है आरुषि। मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है? मैं जॉब नहीं छोड़ सकती विहान, मेरी फैमिली पूरी तरह से मुझ पे डिपेंडेंट है। अरे बाबा, इट्स ओके, तुम्हें किसने जॉब छोड़ने को कहा? तुम करो ना जॉब, इट्स ऑल गुड। तुम बहुत अच्छे हो विहान, बहुत बहुत अच्छे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वो तो मैं जानता हूं। वैसे ये रोते रोते थैंक यू बोलने की बजाय एक किसी दे देती क्या? सब वन ट्रैक में चलता है तुम्हारा माइंड। अच्छा, वैसे अगर तुम सामने रहोगी तो ऐसे ही होगा ना? विहान जाओ ना। कोई आ जाएगा? आने दो, कोई देख लेगा? देखने दो।
ओह गॉड, कम से कम दरवाजा तो बंद कर लिया होता। मेरी जगह अगर तुम्हारी दादी सास होती शॉक रह जाती तुम्हारी ये बेशर्मी देखकर। ख्याल रखा करो। खैर मैं ये बताने आई थी कि हवन रखा गया है विहान के ठीक होने की खुशी में। गुरुजी ही हवन करेंगे, मेहमानों को भी बुलाया है। पूछना चाह रही थी कि तुम कल घर पर ही होगी ना? बुआ माँ आज भी ऑफिस से जल्दी आ गई, मैं कल छुट्टी नहीं ले सकती। कल जाना बहुत जरूरी होगा, कल नहीं गई तो। ठीक है तुम्हारी मर्जी, भाई हम तो विहान के लिए ही जीते हैं। वैसे हवन पर तुम्हें होना चाहिए, पर अगर ऑफिस तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वही सही। क्या सोचने लगी? एक तरफ घर पे हवन है और दूसरी तरफ ऑफिस जाना भी जरूरी है। आज मैं इसे बिना बताए चली आई, अब और छुट्टी नहीं ले सकती। विहान समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ओए खड़ूस, अगर ऑफिस जाना इतना जरूरी है तो तुम्हें ऑफिस ही जाना चाहिए। अरे घर पर इतने लोग हैं, घर पे सब गेस्ट भी संभल जाएंगे और हवन भी संभल जाएगा, सब आराम से हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। पर अभी बुआ माने। चिल आरुषि, मैं हूं ना, मैं माओ से बात कर लूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा। अब कुछ बाकी रह गया था। मैंने आरुषि को बता दिया कि कल हवन है और हवन किस लिए है ये भी बता दिया, लेकिन मुझे तो लगता है घर से ज्यादा उसके लिए ऑफिस जरूरी है। ऐसे कैसे? घर में हवन है तो उसका घर में रुकना जरूरी है और ये उसकी जिम्मेदारी भी है। आई डोंट थिंक आप लोगों को ऐसा करना चाहिए। योर एंडिंग है, बैंक में बहुत ज्यादा काम होगा, ऐसे में छुट्टी मिलना कितना मुश्किल है ये मैं समझ सकती हूँ। हम लोग उसकी टेस्ट किसी और तरीके से ले लेंगे। हाँ भाई, हम ऑफिस के बारे में क्या जाने। स्टॉप इट नाउ, ऐसा नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अरे हवन वगैरह की जो तैयारी है वो हम लोग देख लेंगे ना, लेट गो। वैसे भी हवन विहान की अच्छी सेहत की मन्नत के लिए हो रहा है, देखते हैं आरुषि के लिए विहान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऑफिस। विहान दे दो उसे। क्या ये चाहिए? लो ना, लो लो विहान, लो ना, लो दे दो। विहान प्लीज एक किस दो और ले जाओ। विहान, विहान देखो प्लीज तंग मत करो ना, दे दो ना। तुम क्या क्या कर रहे हो?